हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज के लेक्चर में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं हमारे मैथ्स को जो या फिर ज्योमेट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर है, जो कि सिमिलैरिटी। अभी सिमिलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, क्योंकि आपको सिमिलैरिटी अगर नहीं आता तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स और भी नहीं आएंगे। जैसे कि सर्कल में सिमिलैरिटी का यूज होता है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स है जहाँ पे इसका यूज होता है, तो आपको सिमिलैरिटी तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। अभी सिमिलैरिटी बहुत ही इजी चैप्टर भी है, उसमें जो कॉन्सेप्ट से बहुत ही इजी है, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा तो समझेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, और इसके साथ साथ उस टॉपिक पे बेस्ड जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, 3-4 सालों में, हम लोग उसको भी कवर करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलैरिटी में जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है ना, वो है रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर एरियाज ऑफ ट्राइंगल, ऐसे एक ही नाम था ना। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, बट एक में आप लोग को ध्यान देना है, जो 1.4 में आता है, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है। वो वहां पे वो टोटली डिफरेंट है, लेकिन ये रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल है। तो अगर मैं दो ट्राइंगल लेता हूँ, यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं हम लोग ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेते हैं पी क्यू आर, और इसका ए डी समझो हाइट है, और इसका पी एम समझो हाइट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसके हिसाब से पहले वाले ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या होना चाहिए इसका फॉर्मूला। इसका बेस क्या है, यहाँ पे यहाँ पे है बी सी, या फिर अगर हम लोग इसके बेस को कंसिडर करें बी वन, इसके हाइट को एच वन, इसके बेस को कंसिडर करें बी टू, इसके हाइट को एच टू, तो यहां से क्या होगा, ये हमारा होगा बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करके जो भी रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अभी क्वेश्चन करते हैं उस पर बेस्ड। यहाँ पे क्या बोला, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, मतलब हम लोग को ट्राइंगल वन के बारे में जो बेस वन हम लोग को दिया है वो 9 दिया है, और हाइट वन हम लोग को दिया है वो 5 दिया है। फिर क्या बोला, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, मतलब दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस जो दिया, मतलब बी टू दिया हम लोग को 10, और हाइट एच टू दिया है यहाँ पे 6। हम लोग को रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू, इनका रेशो लेना है। तो हम लोग ने क्या देखा था, इसको फॉर्मूला क्या होता है, बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बी वन हमारा कितना 9 है, तो 9 इंटू एच वन हमारा क्या हो जाएगा 5, तो 9 इंटू 5 अपॉन जो 10 इंटू 6, तो 9 5 कितना होगा 45, और ये होगा 10 6 60, ये दोनों 15 के टर्म करते हैं, 15 3 जा ये 4 जा, तो इसका जो रेशो आया एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो 3:4 आया। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1:2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल टू 3:4, ये हमारा रेशो है। तो आई होप आपको ऐसा समझा। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, और उसमें ये सारी डेटा दी हुई है, अभी आप लोग क्वेश्चन देख भी पा रहे हो स्क्रीन पे, तो ये सब डेटा दी हुई है, और हम लोग को यहाँ पे क्यूटी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल देखते हैं। तो एक तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है हमारा, मतलब जो ये पहला वाला जो हम लोग डेटा क्या दिया, आर क्यू दिया, तो आर क्यू का मतलब ये हम लोग को मेनली ये ट्राइंगल को कंसिडर करना है, ये आर क्यू दिया है, और हम लोग क्या दिया है पी एस दिया है, पी एस, तो ये उसके लिए हाइट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये ट्राइंगल को फर्स्ट टाइम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना हमारा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है, आर क्यू है, तो हमारा बेस है बी वन इक्वल टू आर क्यू, और हमारा हाइट क्या है, तो इसको तो हाइट होगा नहीं, इसका हाइट यहाँ पे बाहर दिया हुआ है, तो कितना दिया है पी एस, तो हमारा एच वन जो है यहाँ पे वो पी एस है। अब इसी ट्राइंगल को आप लोग इस तरफ से देखो, मतलब ये जो है ना अभी यहाँ पे इसका बेस हो जाएगा, और ये जो है ना वो हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा बेस टू है, और ट्राइंगल का नाम तो वही रहने वाला है, ट्राइंगल का नाम थोड़ी चेंज होने वाला है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर हम लोग फिर से लिखेंगे। यहाँ पे बेस टू जो हम लोग क्या दिया है यहाँ पे पी आर, और हम लोग को हाइट टू वो क्या दिया है यहाँ पे क्यू टी परपेंडिकुलर, तो इसलिए इसका हाइट हो जाएगा क्यू टी। तो यहां से अगर हम लोग दोनों का रेशो लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों पी क्यू आर ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा बेस हम बी वन इंटू एच वन, मतलब आर क्यू इंटू पी एस अपॉन पी आर इंटू एच टू, और क्योंकि दोनों का एरिया तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि सेम ही ट्राइंगल है, तो ये तो इसका आंसर होगा 1। और हम लोग को यहाँ पे आर क्यू कितना दिया है 6 दिया है, पी एस 6 दिया है, पी आर हम लोग को यहाँ पे दिया है 12, और क्यू टी हम लोग को फाइंड करने वाले, जो हाइट तो हमारा क्यू टी था।
यहाँ से क्यूटी क्या मिलेगा, क्यूटी मिलेगा 6 6 36 डिवाइड बाई 12, जिसका आंसर आएगा 3। तो हमारा क्यूटी का जो वैल्यू आया 3। आई होप जो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का पढ़ाया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल तो आपको समझा। चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बीपीटी, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी होता है। अभी ये क्या होता है हम लोग देखते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी ये क्या होता है, सपोज हम लोग एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, और इस पे एक लाइन कंसिडर करते हैं पी क्यू जो कि पैरेलल है बी सी को। तो जब भी आप लोगों को दिया होगा कि एक ट्राइंगल दिया होगा और यहाँ पे एक लाइन जो है सेगमेंट पी क्यू जो है पैरेलल है बी सी को, तो ऐसे में आपको क्या करना है, बाय बीपीटी थ्योरम हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। हमेशा आपको याद रखना है एपी अपॉन पी बी होगा और एपी अपॉन क्यू सी होगा। इसका बहुत बार आप लोगों को कन्वर्स भी पूछा जाता है। कन्वर्स में क्या है, सपोज एक ट्राइंगल दिया है और लिखते हैं पी क्यू आर और इसको एक लाइन एम एन जो है वो पैरेलल है सेगमेंट, तो हम लोग यहाँ पे एम एन सॉरी पैरेलल नहीं, यहाँ पे आपको रेशो दिया हुआ है पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर। तो अगर ये रेशो सेटिस्फाई कर रही है, रेशो तभी सेटिस्फाई करेगी जबकि ये लाइन जो है इसको पैरेलल होगा, तो सेटिस्फाई तो करेगा नहीं। तो ऐसे केस में हम लिखते हैं एम एन है परपेंडिकुलर टू क्यू आर बाय कन्वर्स। कन्वर्स मतलब हम लोग इसको उल्टा यूज कर रहे हैं, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो आई होप आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझा। अभी हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं ये जो क्वेश्चन आपको पार्शियल में पूछा गया था, यहाँ पे क्या बोला है, इन ट्राइंगल पी आर क्यू एन एम जो है ना पैरेलल है आर क्यू को। यहाँ पे अगर एन एम पैरेलल है आर क्यू को और आप लोग को ये साइड सारे दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये पैरेलल हम लोग कहाँ से गिवन है, फिर हम लोग इसको लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी आप लोग लिख सकते हो। तो वो क्या होगा यहाँ पे, और हमेशा आपको याद रखू ज्योमेट्री में आप रीजन जरूर स्पेसिफाई करना अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। ये होगा पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया है, पी एम हम लोग को दिया है 15, एम क्यू भी दिया है 10, एन आर दिया है और पी एन पूछा है, तो पी एन हम लोग को पता नहीं है, एन आर कितना है 8 है, पी एम 15 है, एम क्यू 10 है। तो यहाँ से पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से पी एन की वैल्यू होगी 15 इंटू 8 डिवाइड बाय 10। तो 15 एट कितना होता है 120, तो 120 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 12। तो इसलिए हमारा पी एन का जो वैल्यू आएगा ना यहाँ पे वो आएगा 12। तो आई होप आपको ऐसा समझा। अभी इसी की तरह एक और इसका डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग इसमें बीपीटी को यूज करेंगे बट आपको स्ट्राइक होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या बोला, एक ट्राइंगल दिया उसके अंदर तीन और ट्राइंगल बने हुए, आप ध्यान से देखो, एक तो ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड और ये, उसमें क्या बोला पी क्यू जो है ना पी क्यू पैरेलल है डीई को और क्यू आर पैरेलल है ई एफ को। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि पी आर जो है ना वो डी एफ को पैरेलल है, तो ये प्रूफ करने के लिए भी हम लोग बीपीटी का यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक एक करके सभी ट्राइंगल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँ ना, पहला ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना ये हम लोग ये पहले कंसिडर करते हैं। हम लोग पहला जो ट्राइंगल कंसिडर करें इसका नाम क्या है डी एक्स ई, इन ट्राइंगल डी एक्स ई हम लोग क्या दिया है पी क्यू है ना पैरेलल है डी ई को। अगर पी क्यू पैरेलल है डी ई को तो हम लोग बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एक्स पी अपॉन पी डी होगा एक्स क्यू अपॉन पी क्यू या तो क्यू ई, और ये कहां से आया बाय बीपीटी। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन वन। अभी सेकंड वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं हम लोग, ये वाला ट्राइंगल। तो ये वाले ट्राइंगल में आपको क्या दिखेगा कि इन ट्राइंगल ई एक्स एफ आपको दिखेगा कि एक्स क्यू आर है ना वो पैरेलल है ई एफ को। अगर क्यू आर ई एफ को पैरेलल है तो इधर पे भी क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, और इसको हम लोग इक्वेशन टू। ये भी कहां से आया, बीपीटी से आया। तो अगर हम लोग इक्वेशन वन और टू को कंसिडर करेंगे ना, तो इसका राइट साइड और इसका लेफ्ट साइड दोनों सेम है। तो आपको पता होगा ना कि अगर समझो एक एग्जांपल देता हूँ, ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, जिसके हिसाब से क्या होगा ए सी का भी भाई होगा। तो इसी तरीके से अगर फर्स्ट वाला इक्वेशन सेकंड को इक्वल है, सेकंड वाला थर्ड को इक्वल है, तो फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, तो ये हमारा रेशो इक्वल होगा। और ये रेशो अगर आप लोग देखोगे तो ये वाले ट्राइंगल में, तो क्या एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ, और ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब भी जो लाइन है पैरेलल होगा तभी पॉसिबल होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। रीजन यहाँ पे क्या आएगा, रीजन आएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब हम लोग यहाँ पे बीपीटी को उल्टा यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को लाइन पैरेलल प्रूफ करना था। आई होप आपको इसमें समझा। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर में आता है वो आता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी ये क्या होता है तो हम लोग देखते हैं। सपोज एक ट्राइंगल लीजिए, ठीक है, ए बी सी, तो मैं इसको सीधा सपोज एक ट्राइंगल लेते हैं हम लोग ए बी सी, और इसका एक एंगल बाइसेक्टर है ए डी। अभी एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को दोनों पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। लाइक अगर 60 डिग्री का एंगल ड्रा करूं तो अभी ये 30 30 हो जाएगा, 90 रहा होगा तो 45 45, तो उसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वो हो जाएगा यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू, और आपको याद रखना है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी डी अपॉन डी सी, मतलब अगर आपने इस साइड ए बी लिया है तो आपको सामने जो है ना बी डी लेना पड़ेगा, अगर ए सी लिया है तो डी सी लेना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी लिया होता ना तो ये भी हमारा उल्टा हो जाता है, डी सी अपॉन बी डी होता। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो हम लोग क्या दिया है कि इन ट्राइंगल एम एन पी, हम लोग एन क्यू क्या दिया, बाइसेक्टर है, यहाँ पे हम लोग एम एन का वैल्यू दिया है, एम क्यू का वैल्यू दिया है और पी एन का वैल्यू दिया और क्यू भी पूछा है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एम एन अपॉन एम एन लिया तो यहाँ पे हम लोग को एम क्यू लेना पड़ेगा, एम क्यू इक्वल टू पी एन अपॉन पी क्यू। एम एन कितना है 5 है, एम क्यू कितना है 2.5, पी एन तो वो यहाँ पे हम लोग को दिया 7, पी क्यू पता नहीं, तो पी क्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते जो कि होगा 7 × 2.5/5, और ये 0.5 में कैंसिल हो गया, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.5, तो पी आर हमारा आया 3.5। इसका जो एक और टॉपिक होता है हमारे सिमिलैरिटी में वो होता है थ्री पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। लाइक अगर थ्री पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, तो कभी भी अगर आपको तीन पैरेलल लाइन दिया है जिसका नाम देते पी क्यू ए बी और एम एन, बोला है कि यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है ए बी को और ए बी पैरेलल है एम एन को, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो हमारा ये है ना रेशो हो जाएगा पी ए अपॉन ए एम इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी एन। और ऐसे ही आपको एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे हम लोग को ये ट्रेपेजियम दिया हुआ था और बोला था कि ये तीनों लाइन पैरेलल है, ए बी पी क्यू और डी सी जो है पैरेलल है, और ये हम लोग को वैल्यूज दिए और कुछ फाइंड कर दिया। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये पैरेलल हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, थ्री पैरेलल लाइन के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, वो होगा ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। ए पी हमारा कितना 15 है, पी डी का वैल्यू कितना है 12 है, बी क्यू का वैल्यू पता नहीं फाइंड करने का है, और क्यू सी हमारा कितना है 14 है। तो यहाँ से बी क्यू का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, बी क्यू क्या मिलेगा 15 × 14 का डिवाइडर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 12, तो ये 2 6 जा कैंसिल, 2 7 जा तो 15 7 जा कितना होगा 105/6 आया हमारा, इसको 6 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो होगा 6 1 जा 6 4 बचा 7 जा 42 और कितना 3 बचा तो 5 जा 30, तो ये हमारा बी क्यू यहाँ से आया 17.5। आई होप आपको इसमें समझा, अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया अगर वो आपको समझा है, लाइक आपको बीपीटी थ्योरम समझाया और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दोनों समझा है, तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, फिर देखो होता है कि नहीं, अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो फिर से ओपन करके आप लोग देख लेना। तो हम लोग ये ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर, और इसमें हम लोग को क्या क्या दिया कि एम एक्स है ना बाइसेक्टर है पी एम क्यू का, और एम वाई है ना वो बाइसेक्टर है पी एम आर का, ये भी आपको बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि एक्स वाई पैरेलल है, अगर जब भी हम लोग पैरेलल प्रूफ करना है मतलब कन्वर्स और बीपीटी को यूज करना पड़ेगा, तो कन्वर्स और बीपीटी को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए रेशो पता होना चाहिए, तो हम लोग वही करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल पी एम क्यू, पी एम क्यू ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करते हैं, और हम लोग को यहाँ पे एक चीज गिवन दिया जो हम लोग काम आएगा बाद में, यहाँ पे दिया एम क्यू है ना वो कॉन्ग्रेंट है
एम आर को, और ये हम लोग को पहले से गिवन दिया, तो ये हम लोग को काम आएगा, इसको हम लोग इक्वेशन वन ले लेते हैं। तो हमारा पी एम क्यू में क्या दिया है कि एक्स एम है ना, एक्स एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू, तो क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशो हमारा आएगा यहाँ पे पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू, क्योंकि पी एम लिए तो हम लोग यहाँ पे पी एक्स लेना पड़ेगा, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, हम लोग इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली इन ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल पी एम आर में हमारा क्या हो जाएगा, पी एम आर में हमारा हो जाएगा पी एम अपॉन एम आर इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। तो यहां से क्या होगा, हम लोग पहले तो हम लोगों ने क्या देखा कि एम क्यू और एम आर दोनों सेम ही है, तो मैं यहाँ पे एम आर को एम क्यू लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। ये कहां से है, फ्रॉम इक्वेशन वन, और इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन यहाँ पे वन था हमारा, इसको टू ले लेते हैं, इसको थ्री। तो अभी टू और थ्री को अगर आप लोग चेक करोगे तो पी एम अपॉन एम क्यू पी एम दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। और अगर आप लोग ये रेशो चेक करोगे तो ये हमारा क्या है, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू और पी वाई अपॉन वाई आर, ये तो खुद बीपीटी के जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि बीपीटी में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तीसरा हम लोग लिखेंगे देयर फोर एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स को हम लोग यूज करके हम लोग ये पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक आपको आता है सिमिलैरिटी में, वो आता है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो टोटल आपको तीन टेस्ट होते हैं, एक तो होता है एस 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 टेस्ट, इसमें क्या होता है कि आपके ट्राइंगल जो है ना इसके तीनों साइड सिमिलर है, मतलब अगर मैं ट्राइंगल लू ए बी सी और एक ट्राइंगल लेता हूँ पी क्यू आर, तो एस 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 टेस्ट का मतलब क्या है कि आपका ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होगा, अगर एक ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में कंसिडर कर दो। जैसा अगर अगर कभी भी आपको ऐसा रहेगा ना, तो इसका मतलब लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर को, और ये होता है एस 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 टेस्ट, मतलब तीनों साइड से हम लोगों ने प्रूफ किया। इसका एक और तरीका होता है एस ए एस टेस्ट, साइड एंगल साइड, इसमें क्या होता है सब एक ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू आर और दूसरा ट्राइंगल फिर से हम लोग लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पे हम लोग को दिया है क्यू और बी, दोनों के दोनों सेम है, सपोज दोनों थर्टी थर्टी डिग्री हम लोग को दिया हुआ है, और हम लोग को साइड दिया यहाँ पे ए क्यू अपॉन यहाँ पे सॉरी पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर दो साइड सेम दिए तो एक एंगल हम लोग यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर सिमिलर कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सॉरी एंगल ए बी सी को। तो यहां से देखिए दो साइड और एक एंगल हमारा हो गया, तो इससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी को बाय एस ए एस टेस्ट। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि हम लोग का इसका जरूरत लगने वाला है। और तीसरा जो होता है हमारा सबसे इजी ए टेस्ट होता है। ए टेस्ट क्या होता है, जिसमें दो एंगल सेम हो, सपोज हम लोग ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, दो ट्राइंगल एक ए बी सी लेते हैं एक पी क्यू आर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग को दिया है कि बी और क्यू सेम है, दोनों थर्टी थर्टी दे दिए और ये सपोज सिक्सटी सिक्सटी दे दिया, तो यहाँ से क्योंकि हमारा बी कॉन्ग्रेंट है क्यू को सी कॉन्ग्रेंट है आर को, हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर को बाय ए टेस्ट। तो ये तीन टेस्ट हम लोग यूज करते हैं ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। ये तो वह टेस्ट की बात, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कौन कौन से प्रॉपर्टी फॉलो करती है, मैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है अगर ट्राइंगल पी क्यू आर को, तो इसके जो साइड है ना वो प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, और इसका रीजन हम लोग लिखते हैं सी एस एस टी, इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर आप एग्जाम्पल भी एग्जाम में इतना भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और एंगल ए है ना वो कॉन्ग्रेट हो जाएगा एंगल पी को, एंगल बी है ना वो कॉन्ग्रेट हो जाएगा एंगल क्यू को, और एंगल सी है ना वो कॉन्ग्रेट हो जाएगा एंगल आर को, और इसका रीजन होता है सी ए एस टी, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जो कि कॉन्ग्रेट होता है। ये इतना पार्ट जो मैंने बताया ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको
आना ही चाहिए सिमिलैरिटी में तो ये दोनों का, और यही हर जगह यूज होता है, सर्कल वगैरह जो भी चैप्टर में सिमिलैरिटी का यूज होता है ना, तो इसी का यूज होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये समझा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ा, उसी बेस हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड में आते हैं, बहुत ही इजी सम है और 2 मार्क्स आपको आसानी से दिला के जाते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि ये हम लोग साइड दो साइड सेम दिया, और प्रूफ करने वाला है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, प्रूफ करो। तो दो साइड सेम दिया और कुछ तो सेम दिया नहीं, तो हम लोग को एक एंगल कैसे भी प्रूफ करना पड़ेगा, तो ये कौन से टेस्ट से प्रूफ करेंगे हम लोग, एस एस टेस्ट से। तो हम लोग को ये ट्राइंगल में जो है ना, हम लोग कंसिडर करते इन ट्राइंगल, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए बी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। तो ये दोनों ट्राइंगल पहले तो साइड हम लोग को सेम दे दिए, तो ए पी अपॉन सी पी इक्वल टू बी पी अपॉन पी डी हो जाएगा, और ये कहाँ से दिया है, गिवन, मतलब दो साइड का तो हमारा काम हो गया। अभी हम लोग क्या करना है कि एक एंगल प्रूफ करना है कैसे भी। तो अगर आप लोग ये पी एंगल देखोगे ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल किसी को पता नहीं होगा, तो वो हमेशा सेम होता है। अगर ये 30 डिग्री है ना, तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, तो सेम ये दोनों एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी सी वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रेंट, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं कॉन्ग्रेंट होता है, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो गए यहाँ पे, सॉरी ये एंगल सेम हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं देयर फोर ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी पी बाई एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिमिलर प्रूफ कर दिया, ये सब में इतना ही था। आई होप आपको सम समझा। इसके बाद ये वाला सम देखो आप, यहाँ पर हम लोग क्या दिया है कि पी क्यू पैरेलल है एस आर को, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए। आई होप आपको पैरेलल एंड के सारे कॉन्सेप्ट पता है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया, ए आर इक्वल टू 5 AP, ए आर और एपी का रेशियो दिया है, मतलब ये ऐसा दिया होगा ना हम लोग को, ए आर अपॉन एपी। तो इसके हिसाब से मतलब हमारे ट्राइंगल का नाम कैसा होना चाहिए, ए आर और एस होना चाहिए। हम लोग लेते हैं ट्राइंगल ए आर इन ट्राइंगल ए आर एस एंड ट्राइंगल ए पी क्यू। अभी नेमिंग में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा ट्राइंगल हम लोग को अज्यूम करना है इसके लिए। तो हम लोग रेशियो देख के नेमिंग कर लिए ए आर एस और एपी क्यू, क्योंकि हम लोग क्या बोला है, सिंस पी क्यू पैरल है एस आर को, तो इसलिए यहाँ पे देखो ये ऑल्टरनेट एंगल बनता है, वो दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ से एंगल पी क्यू ए कॉन्ग्रेंट होगा एंगल ए एस आर को, रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ये दूसरा वाला भी ऑल्टरनेट एंगल बनता है, वो दिखेगा आपको, या फिर आप लोग वर्टिकली अपोजिट भी ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी। तो ये भी क्या हो जाएगा एंगल क्यू पी ए कॉन्ग्रेंट होगा एंगल ए आर एस को, ए आर एस दोनों का रीजन क्या आएगा, बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। और हमने क्या देखा, जब भी हम लोग दो एंगल अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते तो हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो देखा ट्राइंगल ए आर एस सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए। सिमिलर प्रूफ हो गए मतलब इसके साइड कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये होगा ए आर अपॉन ए पी इक्वल टू आर एस अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू। तो हम लोग क्या क्या चाहिए, ए आर अपॉन ए पी, ए आर अपॉन ए पी का वैल्यू हम लोग कितना दिया है, यहाँ पे अगर मैं एपी को नीचे ले लूँ तो हम लोग को 5 दिया है, ए आर अपॉन एपी का वैल्यू हम लोग को 5/1 दिया, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, या फिर 5/1 ले लो, और ये हो जाएगा आर एस अपॉन आर क्यू, सॉरी आर एस अपॉन पी क्यू। और हम लोग को यहाँ पे यही प्रूफ करना है ना, कहा गया, हाँ, ये एस आर इक्वल टू क्यू पी। तो ये वाला पार्ट तो हम लोग चाहिए, तो इन दोनों को कंसिडर करते, तो यहाँ से पी क्यू क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है उधर गया, तो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 PQ इक्वल टू एस आर हो जाएगा, और ये हम लोग प्रूफ करने बोला था यहाँ पे, आर एस एस आर बात वही है, तो एस आर इक्वल टू 5 PQ, ये हम लोग ने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। तो आई होप आपको ये समझा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट प्रैक्टिस सेट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आ चुके हैं। इसमें क्या होता है, जब भी आपको दो ट्राइंगल अगर सिमिलर दिया ना, इसको हम लोग बोलते हैं द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी आप लोगों ने ये तो पहले पढ़ा था, आप लोगों ने रेशो ऑफ एरियाज पढ़ा था सिमिलर ट्राइंगल के लिए, उनका रेशियो नहीं पढ़ा था। तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, सपोज एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर को, तो यहाँ पे इसका जो रेशियो होगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, वो होता है
या तो इसका AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, या फिर BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, मतलब जो भी उसके प्रोपोर्शन साइड होंगे ना उनका स्क्वायर होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको बोर्ड में पूछा था। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था बोर्ड में, इसमें क्या बोला रेशो ऑफ कॉर्रेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, हम लोग को मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल है जिनका साइड हम लोग को मतलब S1 अपॉन S2 दिया है हम लोग को 3/5, और हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 कैलकुलेट करो, जहां पे ट्राइंगल 1 है ना सिमिलर है ट्राइंगल 2 को। तो क्या आ जाएगा सिंपली S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। S1 कितना है 3 का स्क्वायर, और ये कितना है 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का 25। इसलिए हम लोग को यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 मिला 9/25। आई होप आपको समझे, बहुत ही इजी समझे से आपको फॉर्मुला डालना आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे भी ऐसे क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR को, क्योंकि सिमिलर है। तो यहाँ पे आप लोगों को रीजन लिखना है कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, वो लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी लिख दे रहा मैं लिखने रहा हूँ। तो ये क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और हम लोग जो साइड दिया है AB अपॉन PQ, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। अभी ABC का वैल्यू हम लोग को पता है नहीं है, वो कैलकुलेट करना है, और PQR का वैल्यू हम लोग को पता है वो कितना दिया है यहाँ पे 125, और AB हम लोग को दिया 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और एरिया 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम लोग को क्या मिलेगा, वो मिलेगा 4 का स्क्वायर 60 × 125, इधर डिवाइडर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 5 जाएगा 25। तो अगर आपको 25 का टेबल आता है तो सिंपली कट जाएगा 25 5 जा, तो 16 5 जा कितना होगा 16 × 5 होगा 80। तो इसलिए हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिला 80 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर दिया स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से जब भी आपको रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल दिए होंगे तो आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारे लिए इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही, और आई होप जो भी मैंने इसमें चीजें आपको पढ़ाई, BPT पढ़ा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा है, सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाए, या फिर सिमिलैरिटी का टेस्ट पढ़ाए, वो सभी आपको समझा, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। और इससे अगर आपको और भी ज्यादा बेनिफिट लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करता हूँ ना, एक लिंक डालता हूँ टाइप का, वहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करने के लिए PDF बना के देता हूँ, उनको प्रैक्टिस करो, और कुछ डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो मुझे। और आई होप आपको ये जरूर हेल्प करे, और बाकी के भी लेक्चर देखो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छे से पढ़ाया मैंने, और भी स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी, सभी अच्छे से पढ़ाया, सभी देखो एक बार, ये आपको जरूर एग्जाम में हेल्प करेगी। अगर हेल्प कर दी तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।